हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे RBSC की छठी क्लास की हिंदी की किताब का छठा चैप्टर मनोहर। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको देखकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। तो पहला शब्द है मातृ पितृ, फिर है श्रम सिक्त, फिर है कृतज्ञता, फिर है मशगूल, फिर है दुछत्ती। फिर है आपका अगला प्रश्न, सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, लेखक ने जब बालक मनोहर से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने क्या उत्तर दिया। आंसर होगा, लेखक ने जब बालक मनोहर से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने उत्तर दिया कि जब वो 2 बरस का था, मतलब 2 साल का था, तब उसकी माँ मर गई थी और उसके पिताजी उसे उसी दिन छोड़कर चले गए जिस दिन उसकी माँ मनोहर को छोड़कर चली गई थी। मतलब जब उसकी माँ की डेथ हुई तो उसके पिता भी उसको छोड़कर चले गए। जब वो 2 साल का था तब उसकी माँ की मौत हो गई। फिर है मनोहर का बचपन कैसे बीता। आंसर होगा, बचपन में मनोहर चाय की दुकान पर काम करता था। उसमें गजब की फुर्ती थी, बहुत फुर्तीला था वो। वह सुबह शाम जो मेहनत करता था उसके बाद वो क्या करता था, स्कूल की पढ़ाई भी करता था मन लगाकर। तो वो सुबह शाम की मेहनत के साथ स्कूल की पढ़ाई भी मन लगाकर करता था। उसका जो बचपन था बहुत संघर्ष से भरा हुआ था। उसने बहुत कठिन परिश्रम किया और उसके साथ साथ उसने पढ़ाई भी की। वो चाय की दुकान पर काम करता था। लेखक का मनोहर से प्रथम परिचय कैसे हुआ। आंसर होगा, लेखक उसी चाय के ठेले पर चाय पीने आया करते थे जिस ठेले पर मनोहर बचपन में काम करता था। तो बातों ही बातों में एक दिन लेखक को मनोहर के जीवन की कहानी सुनने का अवसर मिला। बस लेखक का मनोहर से प्रथम परिचय ऐसे ही हुआ। कि बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। इससे पहला प्रश्न है, लेखक जो था वो बिलासपुर छोड़कर जनक नगर में बस गया था। आंसर इसका कौन सा होगा, अपने नए घर में बस गया था, अपने पुश्तैनी घर में बस गया था, या डाक बंगले में बस गया था, या किले में बस गया था, मतलब रहने लगा था। तो आंसर होगा आपका खा वाला, अपने पुश्तैनी घर में, मतलब जो उसके दादा परदादा पुरखे वगैरह का जो मकान था उसमें चला गया था। फिर है मनोहर राजस्थान के ज़िले का रहने वाला था। कौन से ज़िले का रहने वाला था, राजस्थान के अजमेर का, उदयपुर का, हंगरपुर का, या बाड़मेर का। आंसर होगा हंगरपुर का। फिर है लेखक की निगाहें बस्ती के बीच ढूंढ रही थी। किसको ढूंढ रही थी, चाय के ठेले को, फल की दुकान को, सब्जी के ठेले को, या मिठाई की दुकान को। आंसर होगा का, चाय के ठेले को। पहले का आंसर होगा खा, दूसरे का होगा गा, और तीसरे का होगा का। फिर है आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, मनोहर ने अपना जीवन चलाने के लिए क्या किया। आंसर होगा, मनोहर ने अपना जीवन चलाने के लिए चाय की दुकान में काम किया। फिर मनोहर की माँ की मृत्यु का कारण क्या था, उसकी माँ की जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी। आंसर होगा, मनोहर की माँ जो थी बहुत बीमार थी और उनके पास दवा के पैसे नहीं थे। बिना दवाई के मनोहर की माँ की मृत्यु हो गई थी, मतलब उनका जो इलाज था वो ठीक तरह से नहीं हो पाया क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास दवाई के पैसे नहीं थे। फिर है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है, मनोहर 5 वर्ष का होते होते कैसा बालक बन गया था। आंसर होगा, मनोहर के माता पिता दोनों में से कोई नहीं था, वो अनाथ था। उसका बचपन संघर्ष से भरा हुआ था। उस अकेले बच्चे का अपना कहने वाला कोई नहीं था। वह जो कुछ भी करता अपनी सोच के अनुसार ही करता था। इसलिए 5 वर्ष का होते होते मनोहर जो था बहुत मेहनती बालक बन गया था। फिर है बालक मनोहर अपने स्कूल की फीस की व्यवस्था कैसे करता था। आंसर होगा, बालक मनोहर चाय के ठेले पर काम करता था। चाय की दुकान पर मेहनत से कमाया उसका पैसा स्कूल की फीस में चला जाता था और वह पैसे जो पैसे थे उनकी वो बचत भी करता था, बचा भी लेता था और स्कूल की फीस भी दे देता था। मनोहर ने किसे अपना पिता तुल्य बताया, मतलब पिता के समान बताया। आंसर होगा, मनोहर ने अपने मालिक को पिता तुल्य बताया। उसके मालिक मनोहर को पर्याप्त रुपया देते थे और पिता के समान उसके मालिक मरते समय उनकी छोटी सी जगह मनोहर के नाम कर गए थे। इसलिए जो मनोहर था वो जो उसके मालिक थे उनको वो पिता तुल्य मानता था क्योंकि बिल्कुल पिता की तरह ही उसकी देखभाल किया करते थे वो। आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न से पहला प्रश्न है, बाबूजी उस रात आपके दिए गए आशीर्वाद का ही फल है। मनोहर ने किस रात की घटना की बात कही है, विस्तार से बताइए।
आंसर होगा, एक दिन बहुत तेज़ सर्दी थी, बहुत अधिक ठंड थी, तो इतनी ठंड में शाम होते होते बाजार सूने हो जाते थे। लेखक दिन भर रजाई में सोते रहे। शाम को लेखक को टहलने की इच्छा हुई तो ठंड से बचने के लिए वो ओवरकोट पहनकर मनोहर के घर की ओर चल दिए। तो वहाँ जाकर उन्होंने मनोहर से पूछा कि तुम आगे चलकर क्या बनना चाहते हो। तो मनोहर ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि वह पढ़ लिख कर बहुत कुछ बनना चाहता है। उसने बताया कि चाय के ठेले पर काम करने के बदले में उसके मालिक उसको पर्याप्त रुपया देते हैं। उनके दिए गए रुपयों से वो क्या करता है, पढ़ाई का पैसा देने के बाद जो कुछ बचता है वो बचत के रूप में गुल्लक में डाल देता है। मनोहर की गुल्लक देखकर लेखक को मनोहर पर बहुत गर्व हुआ और उसके मुँह से निकला, बेटा तुम्हारी मेहनत अवश्य एक दिन रंग लाएगी। मनोहर ने उसी रात की घटना का यहाँ पर जिक्र किया है। तो जो लेखक ने ये कहा था कि तुम्हारी मेहनत अवश्य एक दिन रंग लाएगी, तो उस रात की जो ये घटना थी, जो लेखक ने आशीर्वाद दिया था कि ये तुम्हारी जो मेहनत है वो अवश्य रंग लाएगी, इसी घटना का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो बाबूजी, उस रात आपके दिए गए आशीर्वाद का ही फल है। तो ये जो घटना थी यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है, उस घटना की बात कही गई है, जो लेखक ने उसको बोला था कि तुम्हारी मेहनत अवश्य एक दिन रंग लाएगी। जब लेखक ने उसी गुल्लक में इतने सारे पैसे देखे और उन्होंने ये भी सोचा कि इतना छोटा बच्चा है, वो चाय की दुकान पर काम करता है, इतनी मेहनत करता है, अपने स्कूल की फ़ीस खुद ही कमाए हुए पैसों से देता है, उसके बाद भी वो क्या करता है, पैसे बचा लेता है, उनको खर्च नहीं करता, गुल्लक में डाल देता है। तो लेखक को मनोहर पर बहुत गर्व हुआ और उनके मुंह से निकला था तब कि बेटा तुम्हारी मेहनत अवश्य एक दिन रंग लाएगी। मतलब उन्होंने उसको एक तरह से आशीर्वाद दिया, इसी आशीर्वाद का जो जिक्र है, इस घटना का जो जिक्र है वो यहाँ पर कहा गया है, किया गया है। अगला प्रश्न, लेखक वर्षों बाद बिलासपुर आने पर मनोहर से मिलने के लिए क्यों उत्सुक था। आंसर होगा, लेखक जो था वर्षों पहले जब बिलासपुर में रहता था तब उसकी मुलाकात 5 वर्ष के एक छोटे से बालक मनोहर से हुई। तो जो मनोहर था उसी चाय की दुकान पर काम करता था जिस दुकान पर लेखक चाय पीने आता था। एक दिन बातों बातों मनोहर से बात करने पर लेखक को पता चला कि उस बच्चे के माँ बाप नहीं हैं, वह अपना जीवन चलाने के लिए काम करता है और काम करने के बाद वो जो मालिक है उसको जो रुपए देते हैं उससे ही वो अपनी फ़ीस जमा करता है, फ़ीस देता है, और जो बाकी पैसे बच जाते हैं उनको गुल्लक में डाल देता है। तो लेखक के मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि वह बालक मनोहर बड़ा होकर क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, ये सारे जो प्रश्न थे उनके मन में कौंध रहे थे, इसीलिए बिलासपुर आने पर लेखक मनोहर से मिलना चाहता था। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और जानिए। मात्र, माता, शौक, आदत, मात्र, केवल, शोक, दुख, कुल, किनारा, अंश, भाग, कुल, वंश, अंश, कंधा। तो उपर्युक्त शब्दों के जोड़ों का उच्चारण समान होते हुए भी उनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं। ऐसे समान उच्चारण लेकिन भिन्नार्थक शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। तो आप भी ऐसे युग्म शब्द छांट कर लिखिए। तो जैसे कि शब्द है दिन और दीन, सुनने में एक सा लगता है लेकिन इसके जो अर्थ हैं बिल्कुल अलग होते हैं। दिन मतलब होता है दिवस और दीन मतलब होता है गरीब। एक होता है दिए जिसका मतलब होता है देना, एक होता है दिए इसका मतलब होता है दीपक जो हम जलाते हैं, एक होता है और मतलब दूसरा, एक होता है और जिसका मतलब होता है तरफ, एक होता है फल जिसका मतलब होता है परिणाम रिजल्ट, एक होता है फल जो कि होता है खाने वाला फल। ये शब्द हैं सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं। तो ये जो शब्द कहलाते हैं वो कहलाते हैं युग्म शब्द। फिर आपको बताया गया है कि ये अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। जैसे एक अर्थी शब्द होते हैं जैसे गाय और पानी, अनेक अर्थ वाले शब्द होते हैं जैसे कनक, कनक का मतलब होता है धतूरा और सोना, पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि बादल, नीरज, जलद, विलोम शब्द होते हैं जैसे कि रात और दिन, रात का दिन, युग्म शब्द होते हैं जैसे कूल व कुल। फिर है आपका अगला प्रश्न कि अगर आप बालक मनोहर की जगह होते तो क्या करते। आंसर होगा, अगर हम बालक मनोहर की जगह होते तो शायद हम भी ऐसा ही कुछ करते जैसा मनोहर ने अपने बचपन में किया था। आप क्या करते वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो हम भी मनोहर की तरह अपना जीवन यापन करने के लिए कोई काम करते और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखते ताकि आगे चलकर हम पढ़ लिख कर कुछ बन सके। फिर यदि लेखक वापस बिलासपुर आने पर मनोहर से नहीं मिलता तो क्या होता? आंसर होगा, यदि लेखक बिलासपुर आने पर मनोहर से नहीं मिलता तो वो परेशान ही रहता, जो लेखक है वो परेशान ही रहता। उसके मन में ये सदा उत्सुकता बनी रहती कि मनोहर कैसा होगा, उसका क्या हुआ होगा, वो कुछ बन पाया होगा कि नहीं बन पाया होगा आदि। यही सब सवाल उसके दिमाग में आते रहते और वो चैन से नहीं रह पाता। फिर है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बालक हो जिसके परिवार में कोई नहीं है तो आप उसकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? आंसर होगा, अगर हमारे आसपास कोई ऐसा बालक हो जिसके परिवार में कोई नहीं है तो हम उसकी यथासंभव सहायता करेंगे। अगर हमारे पास ठीक से रुपया पैसा है, पर्याप्त धन है, तो हम उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठा लेंगे, मतलब उसकी जो फीस वगैरह है वो हम दे देंगे। नहीं तो उसे कोई ऐसा काम दिलवाने की कोशिश करेंगे जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, अपनी पढ़ाई भी जारी रख सके। समय समय पर उससे मदद के लिए पूछते रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसकी देखभाल भी करेंगे और उसको ये बताएंगे कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप कैसे सहायता करेंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।